दुनिया से विदा होते इंसान के साथ जब लोग मुक्ति धाम पहुंचते हैं तो वे भी गमगीन होते हैं। ऐसे में यदि मुक्ति धाम में बेहतर सुविधाएं ना हो, गंदगी हो और आवारा जानवर परेशान करे तो लोग शासन प्रशासन को कोसते हैं। रानीताल स्थित मुक्ति धाम भी लोगों के अंतिम संस्कार के लिए सबसे व्यस्त मुक्ति धामों में से एक है, लेकिन मुक्ति धाम उपेक्षा का शिकार है। यहाँ आसपास गंदगी का आलम है और आवारा जानवरों से भी लोग परेशान हैं। ग्वारी घाट के बाद शहर के सबसे व्यस्त मुक्ति धामों में रानीताल मुक्ति धाम शामिल है। यहाँ रोजाना कई अंतिम संस्कार होते हैं, इसके बाद भी इसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है। आलम यह है कि यहाँ चारों तरफ गंदगी और कचरा फैला हुआ है। यहाँ आवारा जानवरों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ बाउंड्री वॉल ना होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कचड़े पड़े रहते हैं, मिट्टी वाले आते हैं तो हमको बोलते हैं भैया साफ सफाई नहीं कराते हो, पैर को लग गया, खून आ गया, ये गड़ गया, वो गड़ गया, ऐसे बोलते हैं। सर क्या देखते हैं आप यहाँ पे, कहाँ कहाँ गंदगी पड़ी रहती है चारों तरफ? अब जी पड़े हैं सर, सवेरे झाड़ू लगता है, अब जे ऐसे लगाते हैं, ये पड़े रहता है सर, कचरा पड़ा रहता है। कचड़े में अभी काच कर गया एक आदमी को, हमको भी परेशानी जाता है, गड्ढे देखो पूरी गाला ऐसे पड़े हैं, कम से कम इसका मरम्मत होना चाहिए। यहाँ पर शमशान घाट में बहुत ही गंदगी है, यहाँ जानवर रात में घूमते रहते हैं, दिन में भी घूमते रहते हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर, जबकि नगर निगम द्वारा काफ़ी बजट दिया जाता है इसके लिए। यहाँ पर बहुत गंदगी, कितना कचरे का अंबार पड़ा हुआ पूरा, कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी मुक्ति धाम में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उन्हीं के लिए मुक्ति धाम तरस रहा है। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।